खबर रीवा से है, जहां अंधेरे का फायदा उठाकर ढेका स्थित शिव मंदिर को धराशायी करने का प्रयास किया गया, लेकिन स्थानीय लोग और बजरंग सेना ने इसका विरोध किया और पुलिस प्रशासन के साथ जिला प्रशासन ने घटना को संज्ञान में लेते हुए मामले को रोक दिया। लेकिन यह दुस्साहस किसके द्वारा किया गया, यह जानकारी नहीं हो पाई है। अगर धर्म के नाम पर तार ठोकने वालों के कार्यालय के सामने प्राचीन शिव मंदिर को धराशायी करने का प्रयास किया गया तो फिर कैसे कोई सुरक्षित? आखिर यह किसके द्वारा किया गया और इसका उद्देश्य क्या था? यह बड़ा सवाल है। अगर कोई अराजक तत्व इस घटना को अंजाम देने का प्रयास किया है तो निश्चित ही इसका खुलासा होना तय है। उल्लेखनीय है, इसके पहले भी इस तरह के कई मामले जिले में प्रकाश में आ चुके हैं। अब देखना यह है कि धर्म के नाम पर राजनीति करने वाले क्या कदम उठाते हैं। भैया, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? आज यहाँ की जनमानस द्वारा हम लोग को सूचना मिली, हाँ, कि शिव जी का मंदिर गिराया जा रहा है। बजरंग सेना की टीम तुरंत यहाँ पहुँची, हाँ, जिसपे जेसीबी द्वारा खंडित किया जा रहा था। जेसीबी मौके पे तुरंत भाग गई यहाँ से, हाँ, ड्राइवर निकल गया, हाँ, यहाँ पे जब बजरंग सैनिक पहुँचे, यहाँ की जनमानस द्वारा बताया गया कि यहाँ पे पीछे किसी का कॉम्प्लेक्स है, उसके कॉम्प्लेक्स में एरिया थोड़ा ढका हुआ था, रुकावट आ रही थी, तो उसको हटाया जा रहा है। तो आप कार्रवाई क्या करना चाहते हैं? कार्रवाई इसमें यही होगी कि इसका पुनर्निर्माण कराया जाए, जैसा पहले था वैसा तो ठीक है, उसको और रियायती तरीके से कराया जाए, अन्यथा बजरंग सैनिक उग्र आंदोलन करेंगे और रोड पे उतरेंगे। तो ये कैसे तोड़े यहाँ मंदिर? मूर्ति उर्ति सब रखी हुई है। हाँ, मूर्ति रखी हुई है।